गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेरेंटल केयर इन MPBA। तो बच्चों, आज हम जो है MPBA में, यानी उभयचर में पैतृक जो क्या कहते हैं उसे, देखभाल होती है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि पेरेंटल केयर इन MPBA, मतलब MPBA में जो पेरेंटल केयर है वो होती क्या है। बेसिकली देखभाल है, मतलब जो अंडे हैं, जो उनके बच्चे हैं, मतलब ठीक है, जो अंडे बेसिकली अंडे देते हैं, तो उनकी देखभाल ताकि उनको प्रेडेटर, उनके शिकारी ना खा सके, उनकी जो जनरेशन है वो आगे सर्वाइव करे। तो वही सब कुछ जो है क्या है, पेरेंटल केयर है। लुकिंग आफ्टर द एग्स और द यंग अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट, जब तक वो स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा ना कर सके तब तक उसकी देखभाल करना पेरेंट्स के द्वारा, यही क्या कहलाता है, पेरेंटल केयर कहलाता है। और हम बात करेंगे MPBA में। टू डिफेंड फ्रॉम प्रेडेटर्स, तो किससे बचाना है, शिकारियों से बचाना है, ठीक है, इज नोन एज पेरेंटल केयर। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्या है पेरेंटल केयर, लुकिंग आफ्टर द एग्स, अंडों की या यंग की देखभाल करना जब तक वो स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा ना कर सके, किससे, शिकारियों से, यही क्या कहलाती है, पेरेंटल केयर कहलाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। भाई महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अगर वो उसको उसके शिकारी खा लेंगे, उनके अंडों को शिकारी खा लेंगे, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, उनकी जो जनरेशन है वो आगे सर्वाइव कैसे करेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो एनिमल्स हैं, मतलब एनिमल्स जो है बहुत ही विभिन्न तरह की जो है डाइवर्सिटी रखते हैं केयरिंग करने के लिए अपने एग्स को और यंग को, अपने डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, जब उनका डेवलपमेंट होता है तो उसके दौरान जो है सभी एनिमल्स जो है अपने बच्चों की रक्षा करने में मतलब सक्षम है, ठीक है। और वो भिन्न भिन्न तरह से जो है रक्षा करते हैं, भिन्न भिन्न तरह से जो है सिक्योर केयर करते हैं अपने अंडों की, ठीक है। लेकिन जो एम्फीबियंस में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, शायद मतलब और जो एनिमल्स है उनमें इतना नहीं पाया जाता है जितना कि किसमें पाया जाता है, एम्फीबिया में पाया जाता है, स्पेशली उनमें जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में है। और एन्यूरेंस जो है सो मच ग्रेटर डाइवर्सिटी देन यूरोडियल्स एंड एपोडेंट्स, तो जो एन्यूरेंस है, ठीक है, वो ज़्यादा डाइवर्सिटी रखते हैं किसके कंपेयर में, यूरोडियल्स के और एपोडेंट्स के। जो मेथड्स है केयरिंग का MPBA तक के द्वारा, जनरली फॉल अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज, तो इसको जो है दो भागों में पढ़ेंगे हम, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है बेटा, दो ब्रॉड कैटेगरीज है। सबसे पहले है कि प्रोटेक्शन किसके द्वारा करी जाए, नेस्ट बनाए हो, नर्सरीज बनाए हो या शेल्टर्स बनाए, ठीक है। दूसरा है कि खुद ही डायरेक्ट केयर करें उनकी, या तो नेस्ट बना करके, नर्सरीज बना करके, या शेल्टर बना करके रक्षा करें उनकी, या फिर क्या कैसे रक्षा करें, डायरेक्ट केयरिंग करें उनकी। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में, कि कैसे प्रोटेक्शन करें नेस्ट की, नर्सरीज की और शेल्टर्स की। तो एम्फीबियंस हैव इवॉल्व्ड काउंटलेस इंटरेस्टिंग मेथड्स, मतलब बहुत सारे जो है मज़ेदार, मतलब जो उपाय हैं उन्होंने ढूंढे हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन करने के लिए एग्स को, क्योंकि वो डिफेंसलेस है, और लार्वी को किससे, प्रेडेटर से। आपको पता है कि इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वी बनता है, लार्वी स्टेज आती है, लार्वल स्टेज आती है, ठीक है। सबसे पहला बात करते हैं, नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ साइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइट का सिलेक्शन करते हैं। बहुत सारे एम्फीबियन ले एग्स इन प्रोटेक्टेड मॉइस्ट माइक्रो हैबिटेट्स ऑन लैंड। तो ज़्यादातर एम्फीबियंस क्या करते हैं, अपने अंडों को जो है सुरक्षित स्थानों पर जो है देते हैं। बहुत सारे जो ट्रॉपिकल फ्रॉग्स हैं, टोट्स हैं, वो अंडों को जो है कहाँ पर देते हैं, पानी के नज़दीक, ठीक है। बहुत सारे जो ट्री फ्रॉग्स हैं वो अपने अंडों को
जमीन पर देने के बजाय कहाँ पर देते हैं, पत्तियों पर, और ब्रांच जो शाखाएं होती हैं, और हैंगिंग वाटर जो कि पानी में लटकी रहती है, मतलब पानी के ऊपर। ठीक है, जो स्पीशीज है फाइलोमेड्यूसा की, रेकोफोरस की, हाइलॉर्ड्स की, एक्सेट्रा, ये क्या करती हैं, अपने अंडों को जो है पत्ती से जो है ग्लू कर देती हैं, चिपका देती हैं, और जो कि पानी के ऊपर जो है लटका रहता है। ठीक है, सिक्रीशंस के द्वारा, ग्लू के द्वारा जो है चिपका देती हैं अपने अंडों को किससे, पत्तियों से। रेकोफोरस मालाबेरिकस जो है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में, और कायरोमेंटिस जो है अफ्रीका का, ये भी जो है क्या करते हैं, स्पॉनिंग करते हैं ट्रीज पर, पेड़ों पर। बहुत सारे जो ट्री फ्रॉक्स हैं वो डिपॉजिट करते हैं अपने एग्स को वाटर में, दैट एक्यूमुलेट्स इन एपिफाइटिक ट्रॉपिकल प्लांट्स, जो कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं एपिफाइटिक। ठीक है, फ्री फ्रॉम रीच ऑफ एक्वेटिक एग प्रेडेटर्स इन देयर माइक्रो हैबिटेट्स, फ्री फ्रॉम रीच ऑफ एक्वेटिक एग प्रेडेटर्स, तो जो प्रेडेटर्स होते हैं उनके माइक्रो हैबिटेट्स में उससे फ्री होते हैं उनकी पहुंच से। द टैडपोल्स ऑन हैचिंग ड्रॉप इन टू द वाटर बीनीथ टू कम्प्लीट देयर मेटामॉर्फोसिस। तो जो लार्वी जो निकलता है टैडपोल्स, ठीक है, इसके लार्वी का नाम क्या है, टैडपोल है, और ये जब हैचिंग होती है इसकी, तो ये डायरेक्टली जो है पानी में ड्रॉप हो जाता है नीचे की तरफ, जिसमें पानी में जाने के बाद ही अपनी मेटामॉर्फोसिस जो है कंप्लीट करता है। तो देखिए बेटा, इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, क्या ये पेरेंटल केयर एम्फीबिया में सबसे पहले प्रोटेक्शन किसी द्वारा, नेस्ट बना करके, नर्सरी बना करके, और शेल्टर बना करके, सबसे पहले है ए को, देखिए ए फिगर को, इसमें क्या है कि एक ट्री फ्रॉग गार्ड कर रहा है एक्स को, ग्लू टू अ लीफ और हैंगिंग वाटर। तो इसने क्या करा है, देखो बेटा, इसने क्या करा है कि इसके जो अंडे हैं, ट्री फ्रॉग सिटिंग ऑन द टॉप, तो ये ट्री फ्रॉग इज एनलार्ज सिटिंग है टॉप पर, इसने क्या करा है अपने अंडों को कहाँ पर रखा है, यहाँ पर, ये हैं इसके अंडे, कि ये इसके अंडे हैं, ये इसके अंडे हैं। ठीक है, इसने जो है सिक्रीशंस के द्वारा अपने अंडों को जो है इस पत्ती पर जो है ग्लू कर दिया है, चिपका दिया है, और ये खुद गार्ड कर रहा है इन एग्स की। ठीक है, ये पत्ती है। ठीक है, दूसरा क्या है, बी को देखिए, फॉर्म नेस्ट ऑफ रेकोफोरस, और रेकोफोरस स्लेजली इन अ स्लोपिंग बुरो नियर वाटर। तो इसने क्या करी, एक बुरो बना लिया, ठीक है, ये बुरो है, और इसने जो है एग्स को यहाँ पर जो है ले कर दिया है, अंडे यहाँ पर दिए हैं, और ये स्लोपिंग टनल है, ढालदार टनल है, ताकि जब ये अंडे में से जो लार्वा जो निकलेगा वो डायरेक्टली जो है पानी में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, झागदार मतलब मांस है ये, ठीक है, अंडों का। सी पर देखिए, सी देखिए, यहाँ पर क्या है, फ्लोटिंग फॉर्म नेस्ट ऑन वाटर। तो इन्होंने जो है एक फॉर्म नेस्ट बनाया है, झागदार नेस्ट बनाया है, जो कि फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। नेस्ट है मड नेस्ट, ठीक है, जिसमें जो है टेडपोल्स हैं उसके अंदर। मड नेस्ट किसका है, हाइलो पेपर का, अभी देखते हैं इनको। ठीक है, नंबर टू है डिफेंडिंग एग्स और टेरिटरीज। तो मेल्स जो है, मेल्स ऑफ ग्रीन फ्रॉग, राना टिक, राना क्लेमिटेंस, और जो अन्य स्पीसीज है, मेंटेन करती है टेरिटरीज और अटैक करती है छोटे जो इंट्रूडर्स होते हैं टू डिफेंड एग। तो मतलब जो भी घुसपैठी है, मतलब जो उनको खाने के लिए उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन इंट्रूडर्स को जो है उनसे डिफेंड करने के लिए उन पर जो है अटैक करती है। ठीक है, मेल और फीमेल इवन गार्ड्स एग, तो मेल या फीमेल जो है ये गार्ड करती हैं एग्स को। इन मेंटोफायरिने रोबस्टा, जो
जो मेल होता है एक्चुअली सिट्स ओवर एंड होल्ड्स विद हैंड्स द इलास्टिक जिलेटिनस एनवलप कंटेनिंग एग्स नंबरिंग 17। तो ये जो स्पीसीज है मेंटोफेरिना रोबस्टा, ये इसमें जो मेल है वो उनके ऊपर जो है एक्चुअली सिट हो जाता है और हैंड को होल्ड करता है किसके दो किससे, इलास्टिक जिलेटिनस एनवलप को, ठीक है, अपने हाथों से इसको होल्ड कर लेता है, जिसमें जो है एग्स होते हैं लगभग 17, ठीक है, इलास्टिक जिलेटिनस एनवलप होता है जिसको जो है ये होल्ड कर लेता है। कुछ ट्री फ्रॉग जो है क्या करते हैं, एग्स को पानी के ऊपर देते हैं और मे सिट बिसाइड दी एग और रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ देम, ठीक है। तो कुछ जो है पानी में देते हैं, पानी के ऊपर, और ये क्या करते हैं उनके ऊपर ही रेस्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ गार्डिंग फ्रॉग्स में रिजल्ट इन डेसिकेशन और डेथ ऑफ एग। अगर ये गार्ड ना करे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, डेसिकेशन होगा या अंडों की जो है फाइनली क्या होगी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट की। तो कुछ टेरेस्ट्रियल या ट्री फ्रॉग्स जैसे कि एल्यू थेरोडेक्टाइलस और आर्थ्रोलेप्टिस हाइलोड्स और हाइला नेबुलोसा, इनके जो एग्स होते हैं डायरेक्टली जो है लिटिल फ्रॉग्स में जो है हैच हो जाते हैं, मतलब इनके अंडों से जो है डायरेक्टली क्या बनते हैं, लिटिल फ्रॉग्स बनते हैं, इस प्रकार अवॉइडिंग लार्वल मॉर्टलिटी। इस प्रकार जो है इनमें जो लार्वा की जो मृत्यु होती थी वो नहीं होती है। इन द रेड बैक्ड सेलामेंडर प्लीथोडॉन सिनेरियस द हैचलिंग्स आर मिनिएचर्स ऑफ द एडल्ट। ये जो हैचलिंग्स हैं, ठीक है, ये क्या है, छोटे हैं, मतलब एडल्ट से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोम नेस्ट की। तो बहुत सारे एम्फीबियंस क्या करते हैं, कन्वर्ट कॉपियस म्यूकस सिक्रीशंस इनटू नेस्ट। तो म्यूकस सिक्रीशंस को क्या कर लेते हैं, वो नेस्ट में बदल देते हैं अपने बच्चों के लिए। और एक जैपनीज ट्री फ्रॉग है रेकोफोरस स्लेजेली, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको पीछे दिखाया था, द मेटिंग कपल जो है एक गड्ढे को खोदते हैं, होल को खोलते हैं, टनल को, जिसमें वो अपने अंडों को ले करते हैं वहाँ पर फ्रोती मास में, मतलब ताकि झागदार मास में, ताकि डेसिकेशन ना हो, ठीक है बच्चा, सूखे ना पड़े बेसिकली वो, ठीक है। और जब बरसात आती है तो है जो टैडपोल्स उनसे निकलते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, स्लोपिंग टनल के द्वारा उस पानी में चले जाते हैं, ठीक है, जो फर्दर डेवलपमेंट होगा उसके लिए। जो फीमेल है साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग की जो फीमेल है लेप्टोडेक्टाइलस मिस्टेसिनस स्टिर्स अप अ प्रोथिस मास ऑफ म्यूकस फिल्स इट इन होल्स नियर वाटर एंड लेज एग्स इन देम। तो ये क्या करती है, म्यूकस के फ्रोती मार्स को जो है स्टिर करती है और इसको जो है होल में भर देती है जो पानी के नज़दीक होता है, और फिर उसमें जो है अपने अंडों को देती है। द टेडपोल्स डेवलपिंग इन दीज इम्प्रोवाइज्ड नेस्ट कैन रेडिली एंटर वाटर। तो इनमें जो टेडपोल जो डेवलप हो रहा है वो फाइनली जो है पानी में एंटर कर जाएगा। कुछ एन्यूरेंट्स जो है ले करते हैं अपने एग्स को फॉर्म के नेस्ट में जो कि फ्लोट करता है वह पानी के ऊपर। द फीमेल एमिट्स करती है बहुत सारी मात्रा में म्यूकस और सी बीट्स इन टू अ फॉर्म, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देती है फॉर्म में, विद हर हाइंड लेग्स टू ले एग्स, ठीक है। जब टेडपोल्स हैच करते हैं तो दे ड्रॉप फ्रॉम फॉर्म इनटू वाटर, तो वो फॉर्म से कहाँ चले जाते हैं, पानी में। नेक्स्ट बात करते हैं मड नेस्ट की। तो एक ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग है हाइला फेवर, जिसमें जो मेल जो है डिग्स करता है एक लिटिल क्रेटर लाइक होल या नर्सरी जो है गारे में, ठीक है, बेसिकली गारा वो कीचड़ बोलते हैं ना उसको, मड को, ठीक है, एक शैलो वाटर, इन शैलो वाटर, जिसमें जो है फीमेल जो है अपने अंडों को देती है
और नेस्ट जो है लगभग इसका 30 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है और 5 से 8 सेंटीमीटर जो डीप होता है, और टेडपोल्स जो है इसी के अंदर हैच हो जाते हैं। रिलेटिवली जो है सेफर बैरियर है अपेक्षाकृत, और जब तक डेवलप होते हैं जब तक ये काफ़ी इनफ ना हो जाए अपने आप को बचाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्री नेस्ट की, जो पेड़ पर जो घोंसला मतलब है ना, द साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग। साउथ अमेरिकन का जो एक ट्री फ्रॉग है फेलोमेड्यूसा हाइपो कॉन्ड्रियल्स, ये क्या करता है, ये अपने अंडों को जो है फोल्डेड लीफ नेस्ट में देता है मतलब, ठीक है, और उसको जो है उसके मार्जिन को जो है ग्लूड कर देता है टुगेदर बाय क्लोकल सिक्रीशंस। जब टेडपोल्स जो है बन जाते हैं और फॉल स्ट्रेट इनटू द वाटर बिलो, और कहाँ पर गिरते हैं वो पानी में। एक अन्य ट्री फ्रॉग है हाइला रेजिन फिक्ट्रिस, जो कि एक लाइन से सेलो ट्री कैविटी, तो एक ट्री कैविटी बनाता है विद बीज वैक्स ऑब्टेंड होता है किससे, हाइव से कुछ स्टिंगलेस बीज के, ठीक है, और फीमेल जो है अंडों को देती है व्हेन दिस कैविटी इज फिल्ड विद रेन वाटर, तो हेयर द यंग डेवलप रिलेटिवली फ्री फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो यहाँ पर जो यंग जो डेवलप हो रहे हैं वो अपेक्षाकृत जो है प्रेडेटर से जो है फ्री होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिलेटिनस बैग्स की, तो इन फ्रिंग्स निक्सेलस बिरोई लार्ज एग्स आर एनक्लोज इन अ सॉसेज शेप ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस मेम्ब्रेन्स बैग, तो इनको जो है एनक्लोज कर दिया जाता है एक सॉसेज शेप ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग होता है जो कि सिक्रेटेड होता है फीमेल के द्वारा, और माउंटेन स्ट्रीम्स में इसको छोड़ दिया जाता है। सेलामेंड्रेला की सेरलिंग की एक स्मॉल एक्वेटिक सेलामेंडर है, ये भी डिपॉजिट करते हैं 50 से 60 स्मॉल एग्स इन जिलेटिनस बैग विच इज फास्टन टू एक्वेटिक प्लांट्स, और इसको जो है एक्वेटिक प्लांट से जो है ग्लू कर दिया जाता है। तो ये कुछ था एम्फीबिया की पेरेंटल केयर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम जो है इसी को समझेंगे, इसकी जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, और एक बार आप इसको रिपीट करिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू रिमेनिंग टॉपिक ऑफ पेरेंटल केयर इन एमपीबीआ। तो बच्चों कल की क्लास में हमने जो है पेरेंटल केयर देखा था एमपीबीआ का, और आज हम जो है जो उसका रिमेनिंग टॉपिक है मतलब रिमेनिंग जो पार्ट है बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। ये हमने जो है पेरेंटल केयर को समझा था, दूसरा हमने समझा था कि कैसे जो है प्रोटेक्शन की जाती है नेस्ट और नर्सरीज और शेल्टर्स करके, ठीक है, बना के, और आज का जो हमारा मतलब रिमेनिंग टॉपिक है, रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है वो है डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के द्वारा जो है डायरेक्ट केयरिंग की जाती है, सबसे नंबर वन है कॉइलिंग अराउंड एग्स। तो इसमें क्या होता होगा कि जो पेरेंट्स होंगे वो एग्स के चारों ओर जो है कॉयल कर जाते हैं। इन कोंगो ईल एम्फ्यूमा और कुछ सर्टेन जो है कैसीलियंस जैसे कि इक्टियोफिश, ठीक है, इक्थायोफिश की बात करें और हाइपोजियोफिश, ठीक है, इसमें क्या करती है फीमेल जो है बड़े अंडों को देती है बुरोज में, ठीक है, बिल बिल बना करके, बिल में मतलब, ठीक है, जहाँ गीली मिट्टी होती है, डैम सॉइल होती है, और उनकी केयर करती है, उनको गार्ड करती है अपनी बॉडी को उनके चारों ओर कॉयल करके जब तक वो हैच नहीं हो जाते। जो फीमेल है सेलेमेंडर, ठीक है, प्लीथोडॉन, वो भी कॉयल करती है एग्स के चारों ओर, ठीक है, जो कि छोटे पैकेज में दिए जाते हैं इन द होलो ऑफ रोटन लॉग और बीनीथ रॉक, रॉक के नीचे, ठीक है। इन मेगालो बेट्राकस मैक्सिमस इट इज़ द मेल वो कॉयल्स अराउंड द एग। तो इसमें जो है ये जो स्पीसीज है, ठीक है, मेगालो बेट्राकस मैक्सिमस, इसमें जो है मेल जो है एग्स की गार्ड करता है मतलब एग्स की केयर करता है उसके चारों ओर कॉयल करके। सेकेंड है कि ट्रांसफरिंग टेडपोल्स टू वाटर,
कुछ स्पीशीज जो है स्मॉल फ्रॉग्स की, जैसे कि फाइलोबेट्स, आर्थ्रोलेप्टिस, ठीक है, पैलोबेट्स, डेंड्रोबेट्स, ठीक है, दोनों में ट्रॉपिकल अफ्रीका और साउथ अमेरिका में ये क्या करते हैं, अपने एग्स को जो है ग्राउंड पर देते हैं। और टेडपोल्स, जब टेडपोल की हैचिंग होती है तो वो अपने आप ही जो है पेरेंट्स की बैक पर चले जाते हैं विद देयर सकर लाइक माउथ, और उनको जो है ट्रांसपोर्ट किस में कर दिया जाता है, पानी में। एग्स ग्लू टू बॉडी, बहुत सारे एम्फीबियंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिमेनिंग विद द एग्स ये क्या करते हैं, एग्स को कैरी करते हैं अपनी बॉडी से चिपका करके, जैसे कि डस्की सेलेमेंडर, डेस्मोग्नेथस, फस्कस, इसमें जो है फीमेल कैरी करती है एग्स को अपने नेक के चारों ओर कॉइल्ड करके, ठीक है, जब तक वो हैच नहीं हो जाते। एक श्रीलंका ट्री फ्रॉग है, रेकोफोरस रेटिकुलेटस, जिसमें जो है एग्स जो है वो बेली पर, अपनी बेली पर, फीमेल की मतलब फीमेल की जो बेली होती है, फीमेल बेसिकली अपनी बेली पर जो है उसको एग्स को जो है ग्लू कर देती है, चिपका देती है। एक इंटरेस्टिंग केस है यूरोपियन मिडवाइफ टॉड का, एलाइट्स ऑफ स्ट्रेटरिकेंस, जब जो है फीमेल जो एग्स को ले करती है तो मेल जो है इंटेंगल्स देम अराउंड हिज हाइंड लेग्स, तो मेल जो है अपनी जो पिछली टांगे हैं उनको जो है वहाँ बांध लेता है। ही कैरीज देम विद हिम अनटिल दे आर रेडी टू हैच, तो उनको जब तक कैरी करता है वो, जब तक वो हैच नहीं हो जाते, एट दैट टाइम ही रिलीजेस द टेडपोल्स इनटू नियरेस्ट वाटर, और समय आने पर, हैचिंग के समय आने पर उनको जो है जहाँ पानी होगा उसके पास जो है उनको रिलीज कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिए किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी इक्टायोफिश की, ठीक है, इसमें जो है ये एग्स हैं, ठीक है, ये एग्स हैं और इनके चारों ओर जो है ये पेरेंट्स जो है कॉइल्ड है, ठीक है। फिर ये इसकी बैक पर है टेडपोल्स, इसने अपनी नेक के चारों ओर ग्लूड किए हुए हैं, इसने अपनी जो है हाइंड लिंग्स पर जो है हाइंड लिप्स पर जो है ग्लूड किए हुए हैं, और इसके पास ब्रूड पाउच है, ठीक है, जहाँ पर जो है फ्रोगलेट्स है और एग्स हैं, ठीक है, और इसके पास भी ब्रूड पाउच है, ठीक है। उसकी स्किन फ्लैप को अगर कट करके देखें तो, ओपन करके देखें तो एग्स दिखेंगे आपको। दूसरा, कुछ के पास जो है इंडिविजुअल पिट्स है बैक पर, ठीक है, और कुछ के पास जो है क्या है वोकल सैक्स है। फोर्थ बात करते हैं एग्स इन बैक पाउचेस, ठीक है। तो एक ग्रुप है ट्री फ्रॉग्स का कॉल्ड मार्सुपियल फ्रॉग्स, उनको मार्सुपियल ही बोला जाता है क्योंकि उनके पास ब्रूड पाउच या मार्सुपियल पाया जाता है, और टॉर्ड्स द फीमेल जो है कैरी करती है एग्स को अपनी बैक पर, या तो एक ओपन ओवल डिप्रेशन होगा, ठीक है, खुला हुआ, या फिर एक क्लोज पाउच होगा, या इंडिविजुअल पॉकेट्स होंगी। एग्स जो है डेवलप होते हैं मिनीचर फ्रॉग्स में बिफोर दे लीव देयर मदर्स बैक, इससे पहले वो अपनी मदर्स की बैक को छोड़े, उससे पहले वो मिनीचर फ्रॉग्स मतलब छोटे फ्रॉग्स में जो है डेवलप हो जाते हैं। इन द ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग, ट्री टॉड, सॉरी, हाइला गोल्डी और क्रिप्टोबेट्राकस इवांसी, इसमें जो पोस्टीरियर पार्ट है फीमेल की बैक का, वो कुछ ब्रूड पाउच की फॉर्मेशन करता है, जिसमें जो है एग्स को मतलब उसमें जो है एग्स होते हैं वो इन नोटोट्रीमा गैस्ट्रोथिका, द एग्स आर कवर्ड बाय स्किन फॉर्मिंग अ सिंगल लार्ज ब्रूड पाउच विच ओपन पोस्टीरियरली इन द फ्रंट ऑफ क्लोइकल एपर्चर। तो ये जो नोटोट्रीमा है इसमें जो है एग्स जो है स्किन के द्वारा कवर रहते हैं एक बड़े ब्रूड पाउच में, और ये जो ब्रूड पाउच है ये क्लोइकल एपर्चर के फ्रंट में जो है पीछे की तरफ जो है ओपन होता है। इसी तरह की जो सिमिलर अडेप्टेशन है वो कम्प्लीटली एक्वाटिक इसमें भी दिखाई देती है, सूरीनाम टॉड में पाइपा। ब्रीडिंग सीजन में जो स्किन है फीमेल्स बैक की वो काफ़ी थिक हो जाती है, वैस्कुलर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और जिलेटिनस हो जाती है, और मेल जो है फर्टिलाइज एग्स को जो है प्रेसिस करता है फीमेल्स की बैक पर, और जब ये इंडिविजुअल पिट्स में जो है सिंक हो जाते हैं। अनहिंज्ड कवर फॉर्म्स ओवर ईच
एग्स, एनक्लोजिंग इट इन अ स्मॉल कैप्सूल, और उसके बाद जो है स्मॉल कैप्सूल में इनक्लोज हो जाते हैं ये। कंप्लीट मेटामॉर्फोजिस अकर्स विद कैप्सूल, इन कैप्सूल के साथ ही इनका जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोजिस होता है। द टाइनी टॉड्स लिविंग मदर्स आर टेलेस एंड डू नॉट एंटर वाटर। तो जो टॉड्स जो हैं, जो टाइनी टॉड्स होते हैं, वो जब मदर को छोड़ते हैं, मतलब मदर से, मतलब मदर को छोड़ते हैं, तो तब क्या होता है कि वो टेलेस होते हैं और डायरेक्ट पानी में एंटर नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन्स एज ब्रूडिंग पाउच। तो मेल जो है साउथ अमेरिकन डार्विन फ्रॉग, राइनोडर्मा डार्विनी, ये क्या करता है, एटलीस्ट कम से कम जो है 2 फर्टिलाइज एग्स को जो है अपने बड़े वोकल सेक्स में जो है पुशेज करता है। यहाँ पर ये कंप्लीट डेवलपमेंट होता है इनका और फुली फॉर्म्ड फ्रॉगलेट्स के रूप में ये निकलते हैं। इन वेस्टर्न अफ्रीकन ट्री फ्रॉग, वेस्टर्न अफ्रीकन ट्री फ्रॉग की बात कर रहे हैं, हाइला हाइलम बेट्स ब्रेविसेप्स, इसमें जो फीमेल है वो कैरी करती है एग्स को अपनी बकल कैविटी में, ठीक है। इन आर्थ्रोलेप्टिस, इसमें जो है मेल है जो कि क्या करता है, लार्वी को अपने माउथ में रखता है, ठीक है। द ओनली नॉन केस ऑफ गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन इन वर्टिब्रेट्स इज फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग रियो बैट्राकस सिलोस। तो एक केवल गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन का अगर वर्टिब्रेट में केस माने तो वो केवल ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग रियो बैट्राकस सिलोस में पाया जाता है। इसमें फीमेल क्या करती है, एग्स को अपने स्टमक में रखती है, और द टेटपोल्स आर एक्सपेल्ड थ्रू माउथ आफ्टर मेटामॉर्फोजिस। तो जब मेटामॉर्फोजिस होगा तो उसके बाद जो है टेटपोल्स जब बनेंगे उसके बाद जो है वो उसके माउथ से जो है निकल जाएंगे, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट बात करते हैं विविपैरेटी, और विविपैरेटी में आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, कुछ एन्यूरेंस जो है ओविविपैरस होते हैं, मतलब दे रिटेन एग्स इन द ओविडक्ट्स। ये क्या करते हैं, एग्स को ओविडक्ट्स में रखते हैं और फीमेल्स जो है लिविंग यंग को बर्थ देती है, ठीक है, उसे तो विविपैरेटी बोलते हैं। अफ्रीकन टॉड नेक्टोफ्रिनॉइड्स और स्यूडोफ्रिने, ये क्या करती है, लिटिल फ्रॉग्स को बर्थ देती है। यूरोपियन सेलामेंडर 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 कम से कम जो है 20 या उससे भी ज़्यादा जो है स्मॉल यंग को जो है बर्थ देती है, जबकि जो अल्पाइन सेलामेंडर है सेलामेंडर एट्रा, वो क्या करती है, एक या दो फुली डेवलप्ड यंग को बर्थ देती है। विविपैरेटी जो है वाइड स्प्रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा देखी जाती है जिम्नोपियाना में, जिम्नोपियाना एक ऑर्डर है, एंड इसमें जो है चार में से 3 फैमिली जो हैव दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ऑर्डर जिम्नोपियाना में 4 फैमिलीज हैं, 4 फैमिलीज में से 3 में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं टिफ्लोनेक्टिस, जियोट्रिप्टिस और डर्मोफिस, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ था इसके रिमेनिंग टॉपिक के बारे में। अब आपका ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया, पेरेंटल केयर इन अम्फीबिया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।